तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, क्या सूबे में जीत का इतिहास दोहराएंगे केसीआर, क्या कांग्रेस पहली बार तेलंगाना में मारेगी बाजी या फिर खिलेगा कमल, इन सवालों का जवाब 11 दिसंबर को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले नेता जीत के लिए लोगों को लुभाने में लगे हैं। जहां कांग्रेस ने वादों का खजाना खोल मुसलमानों से लेकर महिलाओं पर दाव लगाया, तो वहीं आज बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो क्या है बीजेपी के पिटारे में, देखिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी भी इस दक्षिण राज्य में कमल खिलाकर 2019 पर निशाना लगाने की तैयारी में है। इसलिए जहां पीएम मोदी रैली कर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर घोषणा पत्र से लोगों को वादों की चाशनी में डुबा रहे हैं। आज बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। पार्टी का कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों को सस्ती दरों पर लोन देंगे, किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर भी नियम बनाया जाएगा, वहीं महिलाओं की शिक्षा का खर्च भी सरकार उठाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बेरोजगारी को भी खत्म करने का वादा किया। बीजेपी के घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। पार्टी ने रिटायरमेंट की उम्र को 58 से बढ़ाकर 60 करने का वादा किया है। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों और मेट्रो के किराए में कमी का ऐलान भी किया गया है। घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष NVSS प्रभाकर और केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में सभी लोगों को समान विकास देना है, हम किसी में फर्क नहीं करते। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए थे। कांग्रेस ने कहा था कि मस्जिदों और चर्च को मुफ्त बिजली, इमाम और पादरियों को हर महीने तनख्वाह देंगे। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने और सरकारी आदेश इस भाषा में जारी किए जाने का वादा किया था। हालांकि पार्टी ने दूसरे राज्यों की तरह यहां भी कर्ज माफी की घोषणा की है। पार्टी के इन्हीं वादों से बीजेपी बौखलाई हुई है, इसलिए उसने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अब जनता किसके दावों और वादों पर एतबार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।